इधर क्या आटा आटा पीसा जाता है? ये डेली का है ना? डेली का डेली बेसिस पे दो चार पैकेट एक्स्ट्रा रखते हैं, तो बाकी जो कस्टमर का ऑर्डर रहता है उसके हिसाब से निकालते हैं। आपका प्रोडक्ट्स क्या क्या है जरा बता देंगे क्या? प्रोडक्ट्स हमारा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है, हाँ। जो भी सब वुड प्रेस जिसको बोलते हैं, जैसे गांव में लकड़ी घाने का निकालते थे जी, वो सब है। ये हमारा स्पाइसेस भी खुद का प्रोडक्शन है विदाउट मशीनरी। उसके बाद यहाँ पे आटाज है, मल्टीग्रेन मिलेगा, जो जवार वीट सब इधर ही पीसा, सब टाइप का आटा यहाँ पे पीस के फ्रेश रखते हैं। और ऑयल्स में कौन सा है जरा बता देंगे? ऑयल्स में आपको सीसम में मिल जाएगा, ब्लैक और वाइट, ब्लैक वाइट सीसम में ऑयल, ऑलिव ऑयल का सब। ये हमारा खुद का नहीं है, ये स्पेन का है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पे ऑलिव होता नहीं है। अच्छा। उसके बाद ये मस्टर्ड ऑयल है जी, सनफ्लावर है, सैफ्लावर है, महाराष्ट्र ज्यादा यूज करते हैं इसको, कर्डी ऑयल बोलते हैं ये वाला सैफ्लावर, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा, कोई सफोला समझ लो। अच्छा। ये ग्राउंडेड है, ये भी इधर का मेन सेल होता है, क्योंकि ये 60% कंजप्शन इसका ज्यादा है। अच्छा। और ये अपना कोकोनट, कोकोनट ये सब इधर कोल्ड प्रेस इधर ही होता है सब। यहाँ पे हम खाली एक मशीन में एक ही आइटम करते हैं, हाँ। क्योंकि दूसरे का इस टेक्सचर मिक्स नहीं होना चाहिए। अच्छा। इधर कौन सा फिर? यहाँ पे ग्राउंडनट करते हैं, ग्राउंडनट। बाकी ये जो है सब हमारा अहमदाबाद में प्रोडक्शन यूनिट है। अच्छा। वहाँ पे सब अलग अलग करते हैं, बाकी ग्राउंडनट ऑयल छोड़ के बाकी सब आपका अहमदाबाद से आता है और सब सेम प्रोसेस में आता है। अच्छा। और ड्राई फ्रूट्स भी रखा है आप लोगों ने इधर? हाँ जी, ड्राई फ्रूट्स भी है। ये हेल्दी स्नैक्स में है, रोस्टेड कैजू है, डिहाइड्रेटेड कीवा और कोकोनट डेट्स है, ये मिक्स सीड है, सनफ्लावर, पम्पकिन और फ्लैक्स सीड, मखना है, ये सीड्स वगैरह है, जीरा सीड्स है, किनोवा सीड है। और इस तरफ ये क्या है, क्या सेक्शन है? टोटल हनी का वैरायटी है। अच्छा। नियर अबाउट 15 प्लस हनी वैरायटी है। अच्छा। ये एक जरा दिखाएंगे जरा, ये हनी कॉम है, जस्ट कॉम कट करके कॉम के साथ में आ जाएगा, कॉम के साथ में। और इसमें जो भी हनी आप देख रहे हैं अलग अलग, जैसा तुलसी हो गया, मल्टीफ्लोरा, लीची, यूकेलिप्टस, हिमालय, अजवाइन, जामुन, ये किसी में भी फ्लेवर ऐड नहीं किया हुआ है। फिर कैसे इसका? ये पर्टिकुलर जैसा तुलसी है समझ लीजिए, हाँ। तो उसका फार्मिंग होता है। अच्छा। उसके बीच में बी बॉक्स रख के बी कीपिंग करते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं ना कि एज अ साइंटिफिक कि बीज का जो होता है 2 किलोमीटर का रेडिएशन होता है, उसके बाहर जाते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं, मतलब वो आगे निकल जाते हैं। अच्छा। तो उतने फार्मिंग के बीच में हम बी बॉक्स रख के बी कीपिंग करते हैं। ओके। तो बीज पर्टिकुलर उसके नेक्ट्रोक कलेक्ट करके हनी क्रिएट करते हैं। अच्छा। वैसा उसका जो नेचुरल फ्लेवर है वो आ जाता है, फ्लेवर और मेडिसिन प्रॉपर्टीज में आ जाती है। और इस तरफ ये क्या है? ये दलिया है, वीट दलिया, वीट दलिया, ये मल्टीग्रेन ब्रोकन वीट जो है, हां ब्रोकन वीट है। ये हमारे जागरी ब्लॉक्स है, उसके पाउडर्स है। ग्राउंडनट ऑयल का जरा बताएंगे उसका प्रोसेस कैसा है? हाँ बताता हूँ। ये है ना मशीन? हाँ। ये इसमें अपने 15 kg ग्राउंडनट डाला हुआ है। 15 kg? 15 kg। 15 kg में कितना ऑयल निकलेगा? नियर अबाउट 42% के नियर अबाउट निकलेगा, मतलब 6.8 kg। अच्छा। आधा सीधा आधा, आधे से कम थोड़ा, आधा से 42% के नियर अबाउट। इसमें सिर्फ ये ग्राउंडनट डाला जाता है? हाँ सिर्फ ग्राउंडनट डाला हुआ है। ये भी स्किन के साथ डाला है? हाँ, क्योंकि हम लोग फार्मर से डायरेक्ट ऐसा परचेस करते हैं। अच्छा। उसको खुद हमने मशीन में क्रश करके इसका ये निकल जाता है। अच्छा। तो जस्ट ये ऐसे फॉर्म में आता है। अच्छा। और ये जो साइड में स्टील का दिया हुआ है, हाँ। ये जस्ट मटेरियल होल्ड करने के लिए दिया हुआ है। अच्छा। तो इसको भी वुडन का बनाएंगे तो ज्यादा हैवी हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। लेकिन जो इसका प्रोसेस है ये पूरा ये वुडन चेम्बर है अंदर। अच्छा। पहला जो था प्रोसेस, जो इक्विपमेंट जो यूज किया जाता था वुडन ही था ना? हाँ, जो पहला जो था, लेकिन अभी क्या सर वो एक्चुअली बैल खींचते थे। हाँ, हाँ। अभी इसको हैंडल करना बहुत हैवी हो जाएगा, इसलिए जस्ट रॉ मटेरियल होल्ड करने के लिए है, और बाकी जो अंदर जो उसका प्रोसेस है वो वुड नहीं होता। अच्छा। और इसका स्पीड जो है नॉर्मल स्पीड है, ताकि वो हीट जनरेट ना हो, इसलिए हम लोग कोल्ड प्रेस ऑयल बोलते हैं। नॉर्मली हीट 42-50 degrees तक जनरेट होता है। पानी क्यों ऐड किया जाता है? पानी एक्चुअली ऐड नहीं करेंगे तो पूरा पाउडर फॉर्म हो जाता है। अच्छा, बहुत ड्राई रहता है। पानी करने से इसका ऐसे पैसा होता है। अच्छा। ये इसका वेस्टेज है ये, लेकिन यूज किया जाता है। हाँ, ये कैटल फीड के लिए यूज किया जाता है।
15 किलो डाला है, कितने देर में पूरा ऑयल निकल जाता है? अबाउट 2 to 2.5 hours. और ये पानी कितना डालना पड़ता है 15 केजी के लिए? 1 लीटर. ये पहला इधर क्रश होके फिर नीचे उसका प्रोसेस चालू हो जाएगा? हाँ, ये यहाँ से क्रश करेगा, जब उसका प्रेशर बनेगा तो यहाँ से ऑयल आएगा. अभी इसका स्पीड कम हो गया है, एक्चुअली वो टाइम पे कैसा खाली था ना. हाँ, इसकी वजह से वो पूरा फ्री था. अच्छा, अच्छा. अभी ग्राउंडनट डालने के बाद उसके नीचे चैम्बर में प्रेशर आ गया, प्रेशर आ गया, स्लो हुआ है. अब तब तक बाकी वो जरा ऑयल का बेनिफिट्स वगैरह जरा बता देना, ये कोकोनट ऑयल का. अभी सर कोकोनट ऑयल है, ये हार्ट फ्रेंडली है. हाँ, और ये इजी टू मतलब डाइजेस्ट, आप इजी कर सकते हैं. और हमारा नेचुरल फॉर्म में रहता है तो आप इसको एज अ मसाज और कुकिंग मतलब मल्टीपर्पज यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो. और ये ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल आप इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती है. अच्छा, और ये कोलेस्ट्रॉल को मतलब डिक्रीज कर दे. अच्छा, और ये सैफ्लावर, अभी ये सैफ्लावर ये ब्लड शुगर को मेंटेन रखता है, ब्लड शुगर हो गया. उसके बाद अपना स्किन प्रॉपर्टीज के जो रहते हैं वो भी करते हैं. ऐसे इसका हेल्थ कार्ड लगाए हुए हैं. इसी तरह सब चीज़ का, हाँ सब चीज़ का अलग अलग बेनिफिट्स कार्ड है. ये मेन कुकिंग के लिए, कुकिंग पर्पज़ के लिए सब. हाँ, सब चीज़ कुकिंग पर्पज़ के लिए. जस्ट ये ऑलिव ऑयल है, आप इसको डीप फ्राई नहीं कर सकते. हाँ, वेस्टर्न कुकिंग हो गया, सलाद ड्रेसिंग हो गया, वो सब के लिए यूज़ कर सकते हैं. कितना टाइप का ऑयल है पूरा आपके पास इधर? हमारा फ्रेश रहता है, क्योंकि वीकली व्हीकल आती रहती है तो उसको हम चेंज कर दे रहे हैं. नहीं, टोटल ऑयल कितना टाइप का ऑयल है आपके पास? ऑयल 30 to 14 टाइप्स की ऑयल है. 30 to 14 टाइप्स की, 40 टाइप्स का ऑयल है. इसमें आपको ये एलमेंट भी मिलेगा, वॉलनट मिलेगा, फ्लैक्सीड है. अच्छा, कलौंजी है, कैस्टर है. ये कलौंजी ऑयल कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज किया जाता है इसका? सलाद ड्रेसिंग के लिए, सलाद ड्रेसिंग इसका. लेकिन सीड्स अपन यूज करते हैं, ओनियन सीड्स का. ओनियन सीड, इसका सीड जो सूखा हुआ रहता है उसको खाना बनाते टाइम जैसे ये काजू इस्तेमाल करता है पेस्ट करके, वैसा इस्तेमाल किया जाता है. और एक्चुअली ये कैसा आर्थराइटिस के लिए भी थोड़ा इजी रहता है, मतलब स्पून आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम भी कर सकते हैं. अच्छा अच्छा, ये लब सेम कोकोनट ऑयल, वर्जिन ऑयल जैसा ही. ये थोड़ा जाड़ा रहता है, इसको फिल्टर किया जाता है ना? फिल्टर नहीं किया जाता इसको, ये छन्नी लगा हुआ है. हाँ, वही तो जाड़ा जो सेडिमेंट्स रहता है इसमें रुक जाता है. हाँ, बाकी का ऑयल नीचे जाता है. अच्छा, उसके बाद उसको हम इसमें पल्टी करते हैं इसमें. हाँ, कंटेनर में. तो इसमें एक फिल्टर प्रोसेस होता है. हाँ, उसमें क्या होता है, कंटेनर में डालने से उसको हम लोग 42 or 48 आवर्स तक छोड़ देते हैं. हाँ, तो जिससे उसके सेडिमेंट्स नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर ऑयल ऑयल निकल जाता है. ये पूरा होने को 2 घंटा लगेगा? 2 घंटा लगेगा. बॉटलिंग आप लोग इधर ही करते हैं? हाँ, फिर ये एफडी बॉटल रहता है, इसमें पैक करके सील करते हैं. अच्छा, लेबलिंग वगैरह स्टिकर वगैरह हम खुद करके बाद में कस्टमर के लिए यहाँ पे सोल्ड के लिए रखते हैं. आप पे एड्रेस जरा बता देंगे? ये हमारा सिल्वर लिंक बिल्डिंग, शॉप नंबर 6, नियर आर्केडिया सर्कल, इलेवन स्ट्रीट, थाने. थाने डिलीवरी है ना आपका? डिलीवरी है, हम डिलीवरी है. कितना अमाउंट तक है, ऐसा कुछ है? लिमिटेड अमाउंट है, लिमिटेड अमाउंट कुछ नहीं है, क्योंकि नीरज श्रीजाता जी के लोकेशन में अमाउंट का डिले कुछ नहीं है.